पोहा, तो पका का चूड़ा, ये देखिए मूंगफली और ये सब हल्का फुल्का। गर्मी इतने ज्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार रास्ते के लिए ना तो पूरी खाना कुछ भी नहीं बना रहे हैं, गर्मी की वजह से खा नहीं पाएंगे। फिर भी थोड़ा सा नाश्ता लिए ताकि पानी नहीं पी सके बीच में। और हमारी नाइट में 9:45 की टिकट है। अभी जस्ट इतने जल्दी जल्दी तैयारी किए हैं, पैकिंग हो गई है। अरे रास्ते के लिए चूड़ा बना रही हूँ, बच्चे मेरे कर भी रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए बैग हो गया है पैक, ये है मेरा और ये बच्चों का, सब अपना अपना लेके जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं ले जा रहे हैं। अरे हमारे छोटे साहब ज़्यादा अपना बैट भी ले रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। देखिए अभी अपने बैग की पैकिंग कर रहे हैं। और जो जहाँ तहाँ सब गर्मी में हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अभी जाना तो नहीं था फ्रेंड गांव, लेकिन अचानक प्लान बना और अचानक जाना है, क्योंकि वहां घर का कुछ काम वायर कराना है। छत आप लोगों ने देखा ही था हमारे वीडियो में कि कितना पानी अंदर आता है, उसी की मरम्मत कराने जा रहे हैं। और मम्मी से भी मिलना है, इसीलिए इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं। गर्मी की वजह से तो हालत ख़राब है, यहाँ से ज़्यादा गाँव में कह रहे हैं तपन लू चल रही है। इस समय कहते हैं क्या नौ तपा को चल हो रहा है गर्मी के समय का, उसके वजह से। अभी देखिए वहाँ का क्या माहौल है, यहाँ तो। और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको यहाँ से लेकर रीवा तक की सैर कराते हैं। अभी तो पैकिंग हुई है, जस्ट फिर निकलना है, उसके बाद पूरा तैयारी करना है। क्या हालत हो रखी है गर्मी की वजह से, वो भी कुछ कह नहीं सकते। कंटिन्यू वीडियो बने रहिए और देखिए कि हमारे साथ क्या क्या इस गर्मी में होता है। खाना तो नहीं है, फिर भी बच्चों के लिए बना रहे हैं। फ्रेंड बन के देखे मेरा हो गया चिवड़ा तैयार, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी शाम का समय हो गया है, तकरीबन 6:30 बज चुके हैं, तो इसलिए शुभ संध्या, जय श्री राधे राधे। प्रिय मित्रों आप सभी का स्वागत है, आप लोग कैसे हैं प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे साथ गांव चलना चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। आप लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो के जरिए गांव की सैर कर सकते हैं, आपको हमारे मम्मी से मिलाएंगे, हमारा घर दिखाएंगे, सब कुछ है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए अभी तो तैयारी करना है, बहुत फास्ट है, सब जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए कुछ दिखा पाए हैं कुछ नहीं, जो नहीं तो उसके लिए सॉरी, माफ करिएगा, बाकी बने रहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग की तैयारी हो चुकी है, ये सारे बैग हो चुकी है पूरी पैकिंग। ये देखिए बैग हमारा तैयार है, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, बस रिक्शा का वेट है और लेट भी हो रहा है। और हमारे थोड़ा तुलसीदास से मिलिए, जो कि नाराज है, बच्चे और हम जा रहे हैं, अकेले रहना है इसलिए। और अभी बहुत काफी गर्मी की वजह से लेट है, और इसी तरह से एकदम सिंपल कपड़े में जा रहे हैं कपड़े। फ्रेंड्स हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, मम्मी तैयार हो गए, बैग तैयार हो चुका है, हमारा रिक्शा भी आ चुका है, भाई लोग तैयार हैं। थोड़ा ही सामान लेके जा रहे हैं, गर्मी और इस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ है कि अपने आप को संभालना मुश्किल है। सामान ज्यादा कुछ नहीं लिए हैं, बस कुछ नाश्ता है, कुछ कपड़े हैं, और चल रहे हैं। देखिए हमारा आ चुका है रिक्शा, और काफी लेट भी हो रहा है गया। थोड़ी अंदर जा गया, टिकट निकालने पड़े थे। हो गया तुम बीच में बैठेगा, हाँ ठीक है, देख ले मम्मी के नहीं देखा बोला चल देना।
अब बोलो पहुंच चुके हैं स्टेशन, काफी लेट हो गया, जल्दी चलो ट्रेन से जल्दी जल्दी दौड़ो 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 बनकर। फाइनली फ्रेंड बैठ चुके हैं ट्रेन और काफी भीड़ थी स्टेशन पर, ट्रेन में भी देखेंगे बैठे हैं एक उधर दूसरा वो बैठे हैं, बीच में सीट है लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है जस्ट एडजस्ट करने के लिए, सभी के बीच में सीट है सिर्फ मुझे नीचे सीट मिली है। खाना वाना खाने के बाद के साथ में बाद में चलिए ठीक है बने रहिए। बच्चों को लगी है भूख और अभी बस थोड़ा सा हल्का नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि पूरी नाइट सफ़र करना है और रात के ट्रेन ट्रेन हमारी अभी 11:30 बजे है, कल शाम 6:30 बजे के लगभग हम रिक्वेस्ट पहुँच रहेंगे। देखिए इन्हें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बैठे बैठे रेलवे स्टेशन के लिए तो हमारे सीट अभी नहीं मिल पा रही, बहुत दिक्कत है पूरी नाइट सफ़र करना, इसलिए हल्का फुल्का नाश्ता पी के अपने लाइफ में हमने ज़्यादा कुछ भारी खाना नहीं बनाया था, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं यहाँ रोटी में नहीं करती गए हैं स्टेशन, रात के बज चुके हैं 7:30, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे हैं फ्रेंड आ चुके। अरे देखिए ये वहाँ से चले थे पूरा क्या के बन के रिटर्न ये हमारे छोटे साहब ज्यादा है चल रहे थे वहाँ से बन के क्या कहते हैं अप टू डेट, हमसे कहा था नहीं बना है जेंटलमैन और आ गए अपने देसी लुक में बन के सूरत से चले थे अप टू डेट और आ गए अपने एकदम देसी लुक में जो रेगुलर घर पे रहते हैं। गर्मी के कारण ट्रेन अभी हम लोग पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन रीवा के, अब रात में हमारे लिए कोई साधन नहीं है, नाइट में यहाँ रुकना है। आप लोग भी देखिए कितनी मुसीबत है, गांव आने का यही मजा है। ट्रेन तो इंटर बोल रहा है ट्रेन छूट रही है, बगल में ट्रेन खड़ी है, बैठ गए रीवा के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ट्रेन का हो गया सफर खत्म और अभी करना है भोजन। ये देखे जो अभी आया था पार्सल पनीर और ये रही रोटी।
ये मेरी माँ है, ये छोटा भाई है, ये बड़े भाई है। क्या का खा? चावल है, ये चावल है, सलाद है, ये दाल है, ये पालक पनीर नहीं है, ये भिंडी है, ये मेरी माँ है।